गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक खबर है एनआईए से। एनआईए ने अरेस्ट किया है अलकायदा कॉन्स्पिरेटर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ये खबर हालांकि एक दो दिन पुरानी है, लेकिन आप लोगों के साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा ये न्यूज़ को फ्रंट पेजेस में होना चाहिए था, लेकिन इस न्यूज़ को मैंने फ्रंट लाइन न्यूज़पेपर में किसी में भी फ्रंट पेज पर नहीं देखा। और आज जिस न्यूज़ को मैंने फ्रंट पेज पर देखा, उसे देखकर मुझे ये लगा कि इस न्यूज़ को, जो एनआईए की न्यूज़ को होना चाहिए था फ्रंट पेज पर, वो कभी नहीं दिखा। और अगर कहीं पीछे हो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन फ्रंट पेज पर नहीं दिखा, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ इस न्यूज़ को डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये देश विरोधी संगठन जो कि हमारे देश को निस्तनाबूद करना चाहते हैं, वो खबर आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो फिलहाल क्या है खबर, एनआईए की प्रेस रिलीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर और डिस्कस कर रहा हूँ। एनआईए अरेस्ट अलकायदा कॉन्स्पिरेटर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। यस, एनआईए अरेस्टेड एक्यूज्ड अब्दुल मोमिन मंडल, एज 32 ईयर्स, सन ऑफ राजौल मंडल, रेजिडेंस ऑफ विलेज नजराना, पीएस रानी नगर डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, इन कनेक्शन विद द अलकायदा केस ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला। द केस वॉज रजिस्टर्ड ऑन 11/9/2020 एंड पर्टेन्स टू एंटी नेशनल एक्टिविटीज बाई अ ग्रुप ऑफ जिहादी टेररिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 10 मेंबर्स इंस्पायर्ड बाई ग्लोबली प्रोस्क्राइब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा हु वेर प्लानिंग टू कैरी आउट एंटी नेशनल एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज एट डिफरेंट लोकेशंस इन इंडिया इंक्लूडिंग बट नॉट limited to West Bengal, Delhi and Kerala. Investigation revealed that accused Abdul Momin Mandal was working as a teacher in Raipur Darur Huda Islamia Madrasa in Murshidabad district, West Bengal, and was found to be involved in a series of conspirational meetings conveyed by members of the Al-Qaeda module. He was also trying to recruit new members for the group and was raising funds for furthering its terrorist activities. The residential premises of the accused person were searched and digital devices were seized. So far, 11 accused have been arrested in the case. Accused Abdul Momin Mandal was produced before the district court Murshidabad, West Bengal today and transit remand for transporting him to New Delhi has been granted. Further investigation in the case is continued. ये वो खबर है जो कि सबको फ्रंट पेज पर लगानी चाहिए थी। ये इस तरह के मॉड्यूल्स, अलकायदा, ये सब जो हमारे कंट्री के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, ये न्यूज़ को फ्रंट लाइन में ना लगाकर आज जिस तरह के न्यूज़ को फ्रंट लाइन में लगाया गया है, ये देखकर बड़ा दुख हुआ। लेकिन फिलहाल ये न्यूज़ थी, मुझे लगा ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। आप लोगों को बताया है कि अलकायदा के एक मॉड्यूल को अरेस्ट किया गया है।